आपके आधार से जुड़ी बड़ी खबर जिस पर हम कई बार रिपोर्ट आप तक पहुंचा चुके हैं। आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर सरकार देशवासियों के लिए नई व्यवस्था लेकर आई है। अब 12 अंक के आधार नंबर से नहीं बल्कि 16 अंक वाली वर्चुअल आईडी आपके आधार से संबंधित सारे काम कराएगी और आपकी निजता भी पूरी तरह से बरकरार रहेगी। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां गलत हाथों में पड़ने की आशंकाओं और चिंता से डूबे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार बहुत जल्द आधार कार्ड धारकों को नई सुविधा देने जा रही है, जिसके तहत अब आधार नंबर बताना जरूरी नहीं होगा बल्कि वर्चुअल आईडी की मदद से अब आधार कार्ड धारकों के सारे काम होंगे। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था न सिर्फ पहले से ज्यादा आसान होगी बल्कि और ज्यादा सुरक्षित भी होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जब कभी भी आपको आधार डिटेल देने की जरूरत हो तो आपको 12 अंकों वाले आधार नंबर के बजाय 16 अंकों वाले वर्चुअल आईडी देनी होगी। पहली मार्च से इसे स्वीकार करना शुरू किया जाएगा और पहली जून से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि वर्चुअल आईडी होता क्या है, आप इसे कैसे जनरेट कर सकते हैं और फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी यानी कंप्यूटर से बना नंबर, जिसे जरूरत पर तत्काल जारी किया जाएगा। अपनी वर्चुअल आईडी बनाने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा। किसी भी वक्त एक आधार से एक ही वर्चुअल आईडी बन सकती है, इसे सिर्फ आधार कार्ड धारक ही बना पाएगा, इसकी नकल नहीं की जा सकती। वर्चुअल आईडी सिर्फ तय वक्त के लिए मान्य होगी और इसे आप दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेट बैंकिंग जैसी सेवाओं के लिए आपको OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिलता है और सेवा इस्तेमाल के बाद वो अपने आप रद्द हो जाता है, वैसे ही तय समय के बाद आधार की जगह मिला ये कोड अपने आप निरस्त हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का दावा है कि नई वर्चुअल आईडी की व्यवस्था लागू होने के बाद तमाम एजेंसियां आधार से जुड़े पड़ताल को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि एजेंसियों तक आपका आधार नंबर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे जुड़ा हर काम पूरा हो जाएगा। फोन कंपनियों या बैंकों को आधार धारक की सीमित जानकारी जैसे नाम, पता और फोटोग्राफ मिलेगा, जो संबंधित व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए काफी होगा। यानी वो आपकी पहचान कर पाएगा लेकिन आधार नंबर नहीं जान पाएगा और ना ही आधार से जुड़ी दूसरी कोई और जानकारी। 1 जून से जब ये नई व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी तो कोई भी एजेंसी इस वर्चुअल आईडी को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर पाएगी। यही नहीं, सरकार KYC यानी ग्राहक पहचानने के लिए आधार के इस्तेमाल को भी सीमित करने की तैयारी में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का ये कदम ऐसे समय में आया है जब एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया कि आधार से जुड़ी जानकारी आसानी से चोरी की जा सकती है। आधार की गोपनीयता खतरे में होने को लेकर सवाल समय समय पर उठ रहे हैं, लेकिन हर मौके पर ही सरकार ने दावा किया है कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है। देश में अब तक 119 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।